देखिए, सबसे पहली बात तो आवाम का बहुत शुक्रिया कि इस आंधी तूफान में भी, बारिश में भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा रहे प्रदीप भट्टाचार्य जी के समर्थन में। और मैं पहली बार जकरिया स्ट्रीट के इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ और जिस तरह आवाम ने मोहब्बत दी है, मैं बंगाल के कोने कोने में गया हूँ, देश के अलग अलग सूबों में तो गया हूँ, बंगाल के भी कोने कोने में गया हूँ और बंगाल में बहुत शानदार माहौल है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूती के साथ सूबाई इलेक्शन में भी, लोकल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगी, ये यहाँ की आवाम से मेरा वादा है। मुझे लगता है कि सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी की विदाई होने जा रही है 4 जून को, यही होने जा रहा है। देखिए, ये जो आज का तूफान है ये कुदरत की तरफ से है और हम सब दुआ करते हैं कि ये आसानी से गुजर जाए, कोई जानी नुकसान ना हो, कोई आवाम का कोई नुकसान ना हो। लेकिन 4 जून को जो तूफान आएगा वो मुल्क में खुशहाली लेके आएगा, मोहब्बत लेकर के आएगा, प्यार लेकर के आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है।